दुनिया भले ही यूक्रेन युद्ध में उलझी हो, लेकिन लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव में भी कोई कमी नहीं आई है। और अब इस मसले पर अमेरिकन आर्मी के एक बड़े अधिकारी ने ऐसा बयान दिया है जिसने चीन को आग बबूला कर दिया है। भारत दौरे पर आए अमेरिका की एशिया प्रशांत कमांड के सबसे बड़े अधिकारी जनरल चार्ल्स फ्लिन ने LAC पर भारत चीन के बीच की तनातनी पर बात करते हुए कहा है कि लद्दाख में चीनी सेना की एक्टिविटीज आंखें खोलने वाली हैं। यानी चीनी सेना की गतिविधियों ने भारत के बॉर्डर पर अपना असली रंग दिखा दिया है। भारत पहुंचे जनरल फ्लिन से जब LAC पर चीनी सेना की हरकतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे भारत को चेताते हुए कहा, मेरा मानना है कि जिस स्तर की सैन्य गतिविधि है वो आंखें खोलने वाली है। मुझे लगता है कि चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं जो सतर्क करने वाले हैं। चीन का वेस्टर्न थिएटर वही इलाका है जहां उसकी सीमा भारत के साथ मिलती है और इसी सीमा के लद्दाख इलाके में पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से भारत और चीन के बीच का तनाव बरकरार है। अमेरिकी जनरल के इस बयान से चीन को बड़ी तकलीफ हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से जब अमेरिकी जनरल के बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे आग में घी डालने वाला करार देते हुए कहा कि यह सीमा विवाद भारत और चीन के बीच है और दोनों पक्षों के पास वार्ता के जरिए उचित तरीके से इस मुद्दे का समाधान करने की इच्छा शक्ति और क्षमता है। कुछ अमेरिकी अधिकारी आग में घी डाल रहे हैं और उंगलियां उठा रहे हैं, यह निंदनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि वे क्षेत्रीय शांति व स्थिरता में योगदान के लिए ज्यादा काम करेंगे। दरअसल जनरल चार्ल्स फ्लिन के बयान से चीन को इसलिए भी ज्यादा परेशानी है क्योंकि वे अमेरिका की उस एशिया प्रशांत कमांड के चीफ है जिसका मकसद इस इलाके में चीन को काबू में रखना है। यानी अगर भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच सैन्य तनाव होता है तो उससे निपटने की पहली जिम्मेदारी जनरल फ्लिन की ही होगी। चीन का दावा है कि भारत के साथ सीमा विवाद को दोनों देश आपसी बातचीत से सुलझा सकते हैं। हालांकि लद्दाख में शुरू हुए भारत चीन तनाव के 2 साल बीत जाने के बाद और सैन्य स्तर पर 15 बार मीटिंग हो जाने के बावजूद यह मसला सुलझ नहीं सका है और चीन इस विवाद के शुरू होने के बाद से ही लगातार इस इलाके में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में जुटा है ताकि किसी भी संघर्ष की सूरत में उसे भारत पर बढ़त हासिल हो सके। वहीं भारत ने भी इस इलाके में सेना की जोरदार तैनाती की है। भारत और चीन की सेना के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में खूनी झड़प भी हो चुकी है जिसमें दोनों ओर के सैनिकों की जानें गई थीं। इतने जोरदार तनाव के बावजूद चीन इंटरनेशनल मंचों पर बातचीत के जरिए ही मुद्दे को सुलझाने के इरादे जताता रहा है। यही वजह है कि जब अमेरिकी फौज के जनरल ने चीन के इरादों पर शक जाहिर किया है तो चीन को वो आग में घी डालने वाला बयान नजर आ रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।